आज मम्मा और मैं मिलकर करेंगे वार्डरोब की सेटिंग। कुछ ज्यादा ही सेक्शन फैला हुआ है। मैं ये सारी जैकेट्स जो हूँ वो अपनी अभिका तो एक दफा पहनती है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अभिका काशिप खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, एक और जबरदस्त व्लॉग के साथ आपकी रबीका काशिफ खान आ चुकी हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मेरे 2 मिलियन होने वाले मतलब करीब ही हैं। एंड आई जस्ट वॉन्ट कि बस जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि जब होने वाले होते हैं ना तो उसका वेट नहीं हो पाता, तो इसलिए मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। एंड आई नो कि आप सबसे भी इंतजार नहीं हो रहा होगा, तो प्लीज जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो, अभी के अभी कर दिया सब्सक्राइब। चलो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इतने सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप अपना वार्डरोब कैसे सेट करती हैं, आप करती भी हैं क्या, नहीं करती हैं, आपकी मम्मा करती हैं, तो इतने सारे सवाल आ रहे थे। मैंने कहा कि भाई इसका जवाब तो व्लॉग में ही देना पड़ेगा। मेरी मम्मा और मैं मिलके अपना वार्डरोब ठीक करते हैं, मैं अकेले नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं और वो मैं खुद अकेले हैंडल नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए आज मम्मा और मैं मिलके करेंगे वार्डरोब की सेटिंग। सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी और पता भी चल जाएगा कि आपकी रबीका काशिफ खान ये वाला काम भी करती हैं, सिर्फ खाना पकाना नहीं, ये भी आता है। फर्स्ट व्लॉग इन 15 प्रो मैक्स, या आगे मैं अपने 15 प्रो मैक्स से शूट कर रही हूँ, लेकिन आगे के जितने भी पार्ट है मैं 14 प्रो मैक्स से शूट करूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो। खैर, कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि प्लीज प्लीज अपना वार्डरोब टूर दीजिए, वार्डरोब टूर। मैंने बोला भाई मैंने दिया हुआ है वार्डरोब टूर, अगर नहीं देगा तो आप लोग जाके मेरे चैनल पर देख लो। बट खैर, उनकी भी ईद हो गई है आज, वो भी देख लेंगे कि मेरे वार्डरोब में क्या है, कैसा बना हुआ है, कितने सेक्शन है, कितने कपड़े हैं, कौन कौन से कपड़े हैं, वो सब कुछ आप लोगों को पता चलने वाला है, तो फुल वीडियो जरूर देखना है। तो जल्दी से चलते हैं अपने रूम में, वहां पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ अभी की हालत की, मेरे वार्डरोब की हालत कैसी हो रही है। सो लेट्स गो। अभी मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ और ये मेरा कबर्ड जो है वो मैं आप लोग को दिखाने लगी हूँ। ये देख सकते हैं इसका हाल बेहाल हुआ हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक। यहाँ पे सारे मेरे हैंग हुए हुए हैं ड्रेसेस, उसका भी हाल बेहाल ही है, बट इतना ज्यादा नहीं है, ये फिर भी ओके है। ये वाला कबर्ड भी ओके है, लेट मी शो यू, ये देख सकते हैं आप लोग। बट ये सारे शीन के कपड़े मैंने एज इट इज रखे हुए हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि इसको निकाल के मैं हैंग कर लूँ। अभी देखते हैं कि क्या सीन है। ये देखें, ये वाला कबर्ड भी पूरा फैला हुआ है, ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही सेक्शन फैला हुआ है। और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। सारे कपड़े निकालेंगे, फिर देखेंगे ऐसा ऐसा सेट करेंगे। आप देखते हैं कपड़े निकालने के बाद कितने कपड़े यहाँ पे जमा होते हैं। मुझे तो लगता है पूरा बेड जो है वो कपड़ों से जमा हो जाएगा। और ये वो ड्रेसेस हैं जो यहाँ मैंने रखे हुए थे। आपको बताया मैं फैलावा करने में तो माहिर हूँ, तो इसलिए सारे मैंने यहाँ पे रखे हुए थे, यहाँ से मैंने निकलवा के यहाँ रखे हैं। और अभी जो ये रखे हुए हैं ये सारे जो मेरे फैन पेजेस हैं, जो इतने प्यारे प्यारे यू नो गिफ्ट्स बना के मुझे भेजते हैं, तो उनके मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। कुछ मेरे नीचे वाले रूम में है तो वो मैं ऊपर नहीं लेके आई, क्योंकि ऊपर वाले रूम में भी बिल्कुल भी जगह नहीं है। आई डोंट वॉन्ट कि यहाँ पे आई तो और चीजें बढ़ जाए मेरे रूम में, तो बस यही सीन है। हर टाइम मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी मामा जो है वो कबर्ड सेट करती रहती हैं और मैं खराब करती रहती हूँ। भाई खराब इस वजह से होता है, कभी मुझे कोई चीज नहीं मिल रही हो जो मुझे चाहिए हो, तो मैं क्या करती हूँ सारे कपड़े निकाल के नीचे फेंकती हूँ और फिर मैं ढूंढ के निकाल लेती हूँ जल्दी जल्दी में। इस वजह से मेरा कबर्ड खराब होता है, वरना मैं बहुत सारी चीजें जो वो सेट करके रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस, समझ गए होंगे आप लोग। खैर एनीवेज, मुझे पता है ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जो मुझे देख के इंस्पायर भी हो जाएंगी, अपने जाके कबर्ड सेट करने लग जाएंगी, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी होंगी जो अपने कबर्ड सेट ही नहीं करती होंगी। ऐसा है तो जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मुझे पता चले ना कि ये चीज भी रिलेट करती है। सो आई वॉन्ट कि आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा, मेरे साथ एक और बहुत सीन होता है, वो ये कि मैं जब भी कबर्ड सेट करती हूँ ना, तो मैं बहुत तादाद में कपड़े जो हूँ वो निकाल के अपनी कजन्स को दे देती हूँ। बट फिर भी पता नहीं क्या इतनी बरकत है माशाल्लाह मेरे कपड़ों में, फिर कपड़े इतने सारे हो जाते, फिर मैं सोचती हूँ कि यार कौन से कपड़े दूँ, ये तो मुझे पहनने, ये तो मुझे पहनने। तो खैर आज देखते हैं क्या होता है, कितने कपड़े मैं निकालती हूँ और कितने रखती हूँ उस कबर्ड में। लेट्स गो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने लगी हूँ इस वाले कबर्ड से, ये सारे ड्रेसेस मैं निकाल के रखूँगी बाहर, ये देख सकते हैं आप लोग। और जो बेड पर पहले से रखे हुए थे ना वो मैंने हटा दिए हैं। इसमें से देखें पीछे के कपड़े सारे सही हैं, जो सही है हम वो नहीं निकालेंगे, इसको हम सही से रख देते हैं, ये सही है। यहाँ से जो खराब है लाइक ये, इसको निकाल लेंगे। ओ गॉड, नीचे भी गिर गई सारी। यहाँ पे मैंने एक
कबर्ड की ड्रेसेस जो है वो निकाल दी हैं। इसमें से आप लोग कुछ देख सकते हैं, कुछ बिल्कुल सेट हुए हुए हैं, तो ये जितने भी सेट हुए इसको मैं एज इट इज रख दूंगी। बाकी यहाँ पे मैं हेल्प लूंगी क्योंकि मैं खुद इतने सारा सामान यू नो सेट नहीं कर पाऊंगी। क्या धो रही है ये? जल्दी से उठे, ये मेरा दे मफलर। ओह इतना क्यूट मफलर है ये। मानिए आप ही कपड़ों पे से उठ जाए फौरन। यही बच्चे होते हैं जो तंग करने आ जाते हैं ना फौरन फौरन, यही बच्चे होते हैं। सो यहाँ पे मैंने मम्मा को बुला लिया है अपनी हेल्प करवाने। मम्मा के बगैर मैं अपना कबर्ड मतलब वार्डरोब बिल्कुल भी सेट नहीं कर पाती क्योंकि समझ ही नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए। तो अब मम्मा जो है मेन है, मम्मा ही तय करके मुझे देंगी, सेट मैं खुद ही करूंगी। तो मम्मा आप तैयार है ना सारे कपड़े सेट करने के लिए? ये आप लोग देख सकते हैं कितने सारे रबी वाले कपड़े। मम्मा मुझे एक बात बताएं, लोगों को भी मैंने ये कहा कि मेरे पास माशाल्लाह इतने सारे कपड़े, मैं जब भी कबर्ड सही करती हूँ तो अपने कपड़े निकाल के मैं कजन्स को दे देती हूँ, फिर भी इतने कपड़े हो जाते हैं, तो इतनी बरकत कैसे? जितना आप निकालेंगे अल्लाह ताला उतनी ही बरकत देता है, पता है आपको? हाँ ये बात पॉइंट है। निकालते रहना चाहिए जिस चीज से आपका दिल भर जाए एक दो दफा, और रबी का तो एक दफा पहनती है और दूसरों के मजे आते हैं तो अच्छी बात है, कोई दूसरा पहनता है बरतता है तो ये तो खुश होना चाहिए। ये बरतता है क्या होता है? ये कपड़े बरतना होते हैं यानी किसी के कपड़े यूज करना। अच्छा ओके ओके समझ गए। सो अभी हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैंट्स मैंने बिल्कुल सेट कर दी हैं और यहाँ पर भी सारे ट्राउजर्स मैंने लगा दिए हैं और यहाँ पे मैंने रखी हैं अपनी शर्ट्स वगैरह जो मैं डेली वेयर में पहनती हूँ गर्मियों में। जैसे मेरा सीन ऐसा है कि मेरे पास ऐसे वाले टू कबर्ड्स हैं, तो इसमें 1 2 3 4 फोर सेक्शंस हैं एक कबर्ड में, तो 4 4 8 हो जाते हैं। तो उसमें मैं ऐसे करती हूँ जैसे एक सेक्शन है उसमें मैं सारी जीन्स वगैरह रख देती हूँ, जैसे ब्लू जीन्स मेरे पास हैं, ब्लैक जीन्स मेरे पास हैं, वो मैं पूरा एक सेट बना देती हूँ। और एक मैं ऐसे कर देती हूँ जैसे मेरी शर्ट्स वगैरह होती हैं हाफ स्लीव्स की, टी शर्ट्स वगैरह, वो मैं एक जगह कर देती हूँ। जो मेरे नए ड्रेसेस होते हैं जो हैंगर नहीं हो सकते वो मैं एक जगह कर देती हूँ। जो कुर्तीज होती हैं वो सारी मैं एक जगह कर देती हूँ। मतलब ऐसे ऐसे करके मैं सेक्शन वाइज रखती हूँ। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप सेक्शन वाइज अपनी चीज़ें बना लो। जैसे आपको कुर्ती पहननी है तो आप कुर्ती वाले सेक्शन में ही जाओ, कुर्ती निकालो और बस प्रेस करो और पहन लो। तो यही तरीका है। यहाँ पे मैं ऊपर खड़ी हुई हूँ क्योंकि मुझे ये वाला सेक्शन जो है वो सेट करना था। यहाँ पे मैंने अपने बॉडी कॉन्स जो जितने भी फैंसी थे ना वो सब मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। ये मेरा एक बॉडी कॉन है ब्लू कलर का, उसको मैं यहाँ पे रख दूंगी। बाकी अभी सारा ये शीन का सामान है जो अभी रहता है, इसमें से मेरे बहुत सारे नए ड्रेसेस हैं वो मैं हैंगर करूंगी और कुछ रख दूंगी। सो यही सीन है। ये सेक्शन जो मैंने खाली कर दिया है बिकॉज जितने भी गर्मियों के कपड़े थे वो मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि अभी गर्मियां तो है नहीं, सर्दियां हैं, तो सारे सर्दियों के कपड़े मैं यहाँ पे रखूंगी। वरना ऐसे हो जाता है कि गर्मियों के भी सर्दियों के भी एक साथ होते हैं कबर्ड में तो वो ओवरलोड होने लगता है, जगह ही नहीं होती है रखने की। तो इसलिए मैंने जितने भी गर्मियों के थे वो मैंने सब निकाल दिए हैं, इसमें मैं रखूंगी सारे सर्दियों के। कुछ मैंने ऑर्डर करके मंगवाए हुए भी हैं, जब वो आएंगे तब मैं उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगी। तो अभी ये सीन है, आप लोग भी यही करना आइंदा से, जितने भी गर्मियों के कपड़े वो निकाल दिया करो सर्दियों में जब सर्दियां आएं, और जब गर्मियां आए तो सर्दियों के कपड़े निकाल दिया। अभी मैंने वो वाला कबर्ड जो है वो सेट कर दिया है काफी हद तक। एक सेक्शन मैंने अभी खाली रखा है क्योंकि मुझे ये वाले सारे सेक्शंस देखने थे कि मे बी इसमें से मैं कुछ हटा दूं, कुछ वहां पे एडजस्ट कर लूं, कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर लूं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे कि मेरे यहाँ पे बहुत सारी कुर्तीज हैं, नाइट सूट हैं, जो कि मैं अभी नहीं पहनूंगी सर्दियों में, तो इसलिए उसको मैं हटा के सूटकेस में रख दूंगी और यहाँ पे जगह ही जगह बन जाएगी। सो यहाँ पे मैं अपने नीचे वाले कबर्ड से कुछ सर्दियों की जैकेट्स कोट्स वगैरह निकाल कर आई हूँ जो मेरी पिछली सर्दियों के थे, तो ये मैं इसी कबर्ड में लटका दूंगी, ये मैं इसी कबर्ड में हैंग कर दूंगी क्योंकि अब ऑब्वियसली इसकी नीड होगी, तो कौन बार बार नीचे जाएगा रूम में निकालने, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पर सेट कर देती हूँ। और जितनी भी गर्मियों की चीज़ें थी मैंने सब निकाल दी, ये आप लोग देख सकते हैं सब सर्दियों के भर दिए। ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पूरा खाली कर दिया, इतने सारे हैंगर खाली हुए हैं, तो इन हैंगर्स में मैं ये लटकाऊंगी। अभी मैं ये सारी जैकेट्स जो हूँ वो अपनी हैंग कर रही हूँ इधर। इधर मैंने अपना लेदर वाला कोट भी हैंग कर दिया है,
ये एक ब्राउन कोट है, ये भी हैंगर अभी ये तकरीबन सेट हो चुका है, नीचे भी सेट कर दिया है हैंगर वाला, काफी हद तक मैंने खाली कर दिया है और हैंगर्स निकाल लिए हैं कि जो मैंने शॉपिंग की है जब वो ड्रेसेस आएंगे तो वो मैं हैंग कर दूंगी। बाकी अभी कुछ ये सूरत हाल है मेरे रूम की, मेरे बेड की, तो अभी हमें बस ये जल्दी से समेटना है। ऐसा लग रहा है हम समेटे जा रहे हैं और फैले जा रहा है, मतलब बहुत मुश्किल होता है सब कुछ इस तरह समेटना। ब्यूटीफुल ड्रेस जो कि मैंने अभी तक पहना नहीं है, बाबा मेरे लिए लेके आए हैं, इसको हम हैंग कर देंगे इधर। उफ, जितने भी खाली हैंगर है ना वो यहाँ पे रख दें, ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे जाएगा लाइक दिस। शर्ट्स वगैरह ये भी मैंने यहाँ पे रखा, बैग्स वगैरह भी मैंने लाइन से लगा दिए हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं ये सारे कोट्स वगैरह मैंने अपने रखे हैं, सारे न्यू कोट्स भी लगा दिए हैं। ये सबको जो छोटे छोटी लेंथ के होते हैं ना वो मैंने यहाँ पे हैंग किए हैं, बाकी नीचे कैप्स वगैरह रखी हैं मैंने, ये मेरी क्यूट सी कैप्स हैं, ये हैट मैं लेके आई थी, और ये सर्दियों के फ्लफी फ्लफी क्यूटी क्यूटी गिर गया ये मैंने रखा है, और पीछे सारे मफलर्स हैं। हाँ की सूरत हाल ये कि ऊपर मेरी सारी फ्रॉक्स रखी हुई हैं, और नीचे जो है वो सारे मोटे स्वेट शर्ट्स वगैरह रखी हुई हैं, यहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह, टाइट्स, ट्राउजर्स सब रखे हुए हैं, और नीचे कुर्तियाँ रखी हुई हैं। ये सारी नई कुर्तियाँ मैंने रखी हैं जो मेरे पास हैंगर में थी ना, वो सब मैंने तय करके यहाँ पे रख दी। रेड जो है वो काफ़ी हद तक सिमट चुका है, ये देख सकते हैं नीचे अभी तक फैला हुआ है, ये भी अभी समेटना है। सो टायर्ड ऑलरेडी। 1 2 3 ये तो पूरा साफ हो चुका है, और अभी आप लोग की नजर में तो ये ऐसी चुटकी बजाई है मैंने और ये पूरा साफ हो गया, ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी। जल्दी जल्दी सारा सामान उठाया है और उठा के रखा है, बाकी मैंने कहा कि अब मैं रूम में पोछा लगा दूं, फ्लैट में तो मैं पोछा लगा रही होती हूँ ताकि बिल्कुल भी गंदा ना हो। थैंक गॉड सब कुछ सिमट चुका है गाइस, इतने टाइम से मैं सोच रही थी अपना वार्डरोब ठीक करूंगा और आज मैंने फाइनली कर लिया है और एक व्लॉग भी बना लिया, मतलब डबल डबल मेहनत की है, तो अब जाके बहुत सारा प्यार बरसा देना। ओके अभी हम देखते हैं खाने में क्या बने, बिकॉज बहुत भूख लग रही है। ये मम्मा ने बनाई है मछली, अचारी मछली, साथ में है वाइट राइस, ये क्या ढका हुआ है, ओ सवैया, सवैया मुझे तो नहीं दी मम्मा, मम्मा आपने ना मुझसे पूछी नहीं सवैया, लो भाई अभी ये फिर मैं खाने पानी आ रहा है, खाना लगा लो फौरन, मैंने बहुत सारा काम किया, मैं खाना नहीं लगाऊंगी तुम लगाओगे, बहुत थक गई हूँ। सो व्हाट लगा रहे उसका। सो ये था मेरा आज का जबरदस्त सा व्लॉग, जल्दी जाके लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में जितने भी सवाल आज मैंने पूछे हैं, बहुत सारा प्यार बरसाना है, जल्दी से हमें 2 मिलियन कंप्लीट करने हैं, सो जस्ट कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय।